एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टाइल विद शिवी, जहां पे मैं देती हूँ आपको फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट रिव्यू की झटपट अपडेट। वेल, आज की वीडियो होने वाली है वन अनदर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो फ्रॉम गुड वाइब्स। गुड वाइब्स के अब तक मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, कॉस्मेटिक भी यूज किया, स्किन केयर भी यूज किया है, एंड आई एम जस्ट कैन से आई एम अ बिग एंड डाई हार्ट फैन ऑफ गुड वाइब्स। इनके प्रोडक्ट इतने ज्यादा अमेजिंग होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज एक और स्किन केयर रेंज, और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव हुए हैं, उसका यूसेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कैसी कंसिस्टेंसी है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आज की इसी वीडियो में। लेकिन मेक श्योर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर अब तक फॉलो नहीं कर पाए हैं तो मेक इट फास्ट एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक बाय द नेम स्टाइल विद शिवी। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इन टू द वीडियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मुझे गुड वाइब से रिसीव क्या क्या हुआ है। यू कैन सी अ ह्यूज बॉक्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्किन केयर रेंज आई हैव रिसीव रिसेंटली, और इसमें क्या कुछ प्रोडक्ट है और इसका क्या यूसेज है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सभी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो मेरे पास है गुड वाइब्स का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद द विटामिन सी। As you can see, this is a very beautiful product. बहुत ही अच्छे packaging में है, ये सब कुछ आपको clearly mention है। यहाँ पर आपको brand का logo मिलेगा, यहाँ पर product की description मिलेगी, और यहाँ पर इसकी address मिलेगा, और यहाँ पर सारे directions भी मिलेंगे, which says कि this product is really suitable for all skin type. Vitamin C treats all the dullness, blemishes to leave behind a radiant glow. Vitamin C can inhibit your skin melanin production, ultimately keep skin discoloration at a bay. यानी कि आपके स्किन का जो भी discoloration होगा, जो भी आपको sunburn या फिर patches वाली issue है, वो आपको बिल्कुल भी इस product को use करके face नहीं करनी पड़ेगी। And इस product की जो properties है, वो आपके skin को बहुत अच्छे से clear करेगी, आपके skin को glow करेगी, आपके complexion को और भी ज्यादा इनहेंस करेगी। यानी कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। एज वी ऑल नो, विटामिन सी तो एक गुड सोर्स है, ही हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उससे आपके जितने भी पिगमेंटेशन मार्क्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, प्लस आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को और भी ज्यादा फेयर करने में विटामिन सी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हमारे पास यहाँ पर है फेस वॉश विटामिन सी का विद डीप क्लींजिंग ब्रश। ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट नहीं है इसमें, और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, और इसमें कोई भी एनिमल क्रुएलिटी शामिल नहीं है, विच इज रियली गुड फॉर एवरी स्किन टाइप। यहाँ पर ये इस तरह के प्लास्टिक के बॉटल में हमें मिलता है प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनता है। और यहाँ पर आपको इस तरीके का ये प्रोटेक्टर मिलेगा इसके फोम जेल ब्रशेस पर, और आप देख सकते हैं कि इसको यूज करना सुपर डुपर इजी है, और आपको इसे सिर्फ एक बार पंप आउट करना है, जितना डिजायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग आप इस पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेकअप लगा रखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को फॉलो करूंगी और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी सारे प्रोडक्ट को यूज करके। तो सबसे पहले हम अपना मेकअप क्लीन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इस फेस वॉश की मदद से सारे प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। वैसे आजकल जो फेस वॉश में ये ब्रशेस आ रही हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको फेस वॉश अप्लाई करने में इजी होता है, बल्कि ये आपके फेस पर से जितनी भी डर्ट और पोल्यूशन और मेकअप होता है उसको इजीली रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आपको अलग से मेकअप रिमूवर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो हम इसको राउंड मोशन में क्लियर कर रहे हैं, और मैं अपना मेकअप सब क्लियर कर लूंगी इससे स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इफेक्ट क्या है। इसकी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, और इसमें बिल्कुल लेमन एक्सट्रैक्ट वाली फ्रेग्रेंस आ रही है। सो यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है ये ब्रश, आई होप कैमरा पकड़ पा रहा हो, ये सारा पिंक और रेड हो चुका है। तो मैं फटाफट से जो मैंने फेस वॉश किया है उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कितना हेल्पफुल है ये मेकअप को रिमूव करने में। सी दिस, सारा मेकअप हमारा बाहर निकलने लग गया है, विश शोज कि ये प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है और काफी अच्छे से
इसने हमारे स्किन से मेकअप को रिमूव किया है। तो अगला प्रोडक्ट जो मेरे पास है फेस वॉश के बाद वो है आपका टोनर। अगर हम बात करें स्किन केयर रूटीन की तो उसमें भी क्लींजर एज इन फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम ही हमारे मेन स्टेप होते हैं। तो अब मैंने क्लींस कर लिया है अपने स्किन को, अब बारी आती है टोनर की। एंड गुड वाइब्स का यह है रोज हिप ग्लो टोनर। यहाँ पर अगेन ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में है, गोल्डन एंड ब्राउन कलर का इसका कलर कोऑर्डिनेशन है और ये इस तरह के एक एप्लीकेटर के साथ आता है जो कि पंप एप्लीकेटर है। आप इसको अपने फेस पर स्प्रेड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, जितना भी आपको डिजायरेबल पंप चाहिए उतना आप अपना टोनर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से शेक करती हूँ और फिर अप्लाई करती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एकदम रिफ्रेशिंग इसकी स्प्रे है, जो इसका मिस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है और इतने अच्छे से मेरे स्किन पर एडजस्ट हो गया है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने प्रोडक्ट अप्लाई भी किया है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्टिकी होते हैं तो उसे इरिटेशन ही नहीं होती बल्कि वो अपनी स्किन में सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं, लेकिन ये गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके स्किन पर कुछ प्रोडक्ट भी है। तो मेरे लिए टोनर को भी मैं 5 out of 5 देना चाहूँगी, विच इज़ रियली अ वेरी गुड फ्रेगनेंस। और हमारे क्लींजर हो गया, टोनर हो गया, अब बात करते हैं हमारे मॉइस्चराइजर या फिर क्रीम की। तो मॉइस्चराइजिंग में मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है हेम्प सीड्स गुड वाइब्स का लाइट फेस क्रीम, विच इज अगेन कम्स इन अ वेरी गुड प्लास्टिक बॉटल। ऊपर गोल्डन कलर का लिड है, नीचे ब्राउन कलर की पैकेजिंग है। इसको एक्सेस करना बहुत ही ईजी है, इस तरह की एक खूबसूरत सी बॉटल में आता है विद डबल कवर, ताकि आपका प्रोडक्ट कुछ भी डैमेज ना हो या फिर आप कहीं ले जाएं तो लीक ना हो। एज यू कैन सी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है और मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रीम ले रही हूँ, फिर आपको इसका टेक्सचर और इसकी फ्रेगनेंस और सब कुछ बताती हूँ अपने फेस पर अप्लाई करके। वैसे तो मेरी स्किन सुपर ऑयली है तो मुझे ज़्यादा क्रीम सूट नहीं करती, लेकिन गुड वाइब एक ऐसा ब्रांड है जिसके हर एक प्रोडक्ट हर एक स्किन टाइप को सूट करता है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी केमिकल नहीं इंक्लूडेड होता है इनके सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत ही ज़्यादा नियर टू नेचुरल रहते हैं। तो इसलिए मुझे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर ये क्रीम ले ली है विच इज़ ऑफ हेम्प सीड एक्सट्रैक्ट और अब हम इसे अप्लाई करेंगे विद जेंटल प्रेशर विद आर फिंगर्स। और ये स्टिकी तो बिल्कुल है नहीं, बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट स्मेल है और ये मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर दी है। मेरी स्किन में भी काफ़ी अच्छे से चली गई है, क्योंकि आपको पता चल जाता है जब आप क्रीम अप्लाई करते हैं कि आपको वो हैवी फील दे रही है लाइट वेट, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट प्रोडक्ट है एंड आई एम जस्ट टोटली इन लव विद ऑल दीज प्रोडक्ट। तो हमारा क्लींजर हो गया, टोनर हो गया और हमारा क्रीम हो गया यानी कि मॉइस्चराइजर। अब बारी आती है हमारे सीरम की, विच इज़ अगेन गुड वाइब्स हेम्प सीड सीरम और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें भी पैराबेन फ्री है, नो सिलिकन इंग्रेडिएंट्स हैं, नो मिनरल ऑयल्स हैं, कोई सल्फेट वाले प्रोडक्ट नहीं हैं और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये कांच की बॉटल है क्योंकि सीरम्स को स्टोर करने के लिए कांच की बॉटल ही बेस्ट रहती हैं। और ये लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगा इसका एप्लीकेटर, जो कि एक कवर के साथ आता है इस तरीके का। जनरली हमें जो सीरम्स मिलते हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही कांच की बॉटल में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये लिड भी मिल रही है ताकि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट ना हो या फिर हमें इसे कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये ऐसे गिरेगा भी नहीं। तो इसे हमें यूज करने के लिए हटाना होगा और यहाँ पर भी पंप आउट वाला सिस्टम है। मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉप लूंगी सीरम की, ये लाइट कह सकते हैं आप बहुत ही लाइट ग्रीन कलर के कलर में है और टेक्सचर इसका बहुत ही ज्यादा फ्लोई है, बहुत ही ज़्यादा फ्लोई है। और जैसे कि फेस सीरम्स होते हैं ऑयल बेस्ड, ये क्रीम बेस्ड सीरम है और इसको लगाना भी सुपर सिंपल है। मैंने अपने फिंगर टिप पर इसे स्प्रेड कर लिया है और अब इवनली अपने फेस पर स्प्रेड करूँगी। और इस वाले स्किन केयर रेंज में मैंने एक बात नोटिस की है कि सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, कोई भी बिल्कुल भी हैवी नहीं है और इस तरीके से हमारा स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने यूज़ किया है फेस वॉश, फिर टोनर और फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि थी हेम्प सीड्स के, उसके बाद हेम्प सीड्स का सीरम फ्रॉम द गुड वाइब्स और साथ ही में मुझे एक लास्ट प्रोडक्ट ये भी रिसीव हुआ है विच इज़ गुड वाइब्स बॉडी ग्लो विटामिन सी बॉडी लोशन। ये बहुत ही अच्छा है, एज यू कैन सी ये ब्राउन कलर की बॉटल में है प्लास्टिक की पैकेजिंग में और इसकी जो
स्मेल है वो भी फेस वॉश के जैसी ही है, काफी हद तक सिमिलर है विटामिन सी की इसमें एक्सट्रैक्शन है, तो यू कैन इमेजिन कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी लेमनी है, जैसे कि हम ऑरेंज या फिर लेमन को स्मेल करें, कुछ इस तरह की रिफ्रेशिंग स्मेल है। ये काफी अच्छी क्वांटिटी में मुझे मिल रहा है और ये मॉइस्चराइजर है। एक तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी बाकी मॉइस्चराइजर के जैसे, और ये व्हाइट कलर का है और इसको लगाना एज यू कैन सी बाकी प्रोडक्ट्स की तरह सुपर सिंपल है। ये भी बटरी सॉफ्ट टेक्सचर में है, काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन में ये घुस रहा है, इंडल्ज हो रहा है, और इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी काफ़ी हैं। जब आप इसे लगाएंगे तो ना सिर्फ स्मूथनेस देगा आपके स्किन में बल्कि शाइन भी देगा, और साथ ही साथ आपको एक रिफ्रेशिंग स्मेल देगा, एंड इट विल स्टे अ लॉन्ग लास्टिंग। यानी कि ओवरऑल गुड वाइब्स का ये कलेक्शन मेरे लिए तो 10 out of 10 रहा। मुझे ये प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत ज़्यादा पसंद आई, फिर चाहे बात हो वो स्किन केयर की या फिर इसके हैंड मॉइस्चराइजर की या फेस मॉइस्चराइजर की, मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। What do you think about this product review? Do mention me in comment box below. आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द किसी और नई वीडियो में कुछ और नए अमेजिंग प्रोडक्ट रिव्यू या फिर मेकअप ट्यूटोरियल या फिर कुछ नए ब्लॉग या हॉल लेकर। Till then, take care, keep watching Style with Shivi. Don't forget to like, share this video and subscribe my channel. And if you are new here, then don't forget to follow me on Insta. My Insta handle is Style with Shivi. See you soon. Till then, take care. Bye-bye.